क्या हो गया भैया, वैसे तो आप मेरे साथ बड़े सख्त रहते हो, आज बड़ा प्यार आ रहा है अपनी बहन पे। वो ये है ना कि इतने टाइम जा रही है, अंधेरा भी तो हो गया है, जाना जरूरी है क्या तुम्हारा? हाँ भैया, अगर जरूरी नहीं होता ना तो बिल्कुल नहीं जाती। आपको भी पता है मुझे खुद पसंद नहीं है घर से बाहर ज्यादा जाना। वो तो है, मैं जाऊँ? ठीक है जाओ, लेकिन जल्दी आना। जी भैया। और हेलमेट तो ले लिया करो, कम से कम पुलिस वाले की बहन हो, दूसरों से क्या कहूंगा, सबको हेलमेट पहनाता रहता हूँ, खुद ही नहीं पहन रही हो। बात तो सही है भैया, पर मैं यहीं तक तो जा रही हूँ, जरूरत ही नहीं है अभी हेलमेट की। ठीक है तुम जाओ। पुलिस वाले की बहन होके भी छिपाती है, मुझे शक है, पक्का शक क्या, पूरा यकीन है ये किसी ना किसी से मिलती है और कोई ना कोई जान पहचान वाला ही निकलेगा, क्योंकि पुलिस वाले से छुप नहीं सकता। मेरी बहन होके ऐसे काम करे छोड़ूंगा नहीं, आज तो पता करके ही रहूंगा। ये मोमोज और इसकी लाल वाली चटनी बता के रहेंगे कि वो किससे मिलती है। हाँ अरे भैया, वो चार्जर मिलेगा क्या आईफोन का? मेरे चार्जर में पता नहीं क्या हो गया, एक घंटे की बात है, आप थोड़ा चार्जर दे दोगे अपना? आईफोन का चार्जर तुम्हारे पास कहाँ से आया? आईफोन चोरी कर लाया होगा भैया, और क्या। इन पर पैसे कहाँ हैं इतने? आईफोन का, हाँ लाता हूँ। तुम्हारे पापा ठीक हैं? हाँ भैया सब ठीक है, अभी ला रहा है वो। ठीक है, थैंक यू भैया। ठीक है। ए रुको, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हाँ कहाँ से आ रहे हो तुम? भैया मैं तो अपने घर से आ रहा हूँ। मुझे लगता है मोमोज खा के आ रहा है भैया, लोग मुंह से खाते हैं कहीं और से खा के आ रहा है। नहीं तुम रुको, कहाँ से आ रहे हो? भैया घर से आ रहा हूँ बोला तो। देखो मैं तुम्हारा पड़ोसी भी हूँ और एक पुलिस वाला भी हूँ, इसलिए एक पुलिस वाले होने के नाते पूछ रहा हूँ तुमसे, कहाँ से आ रहे हो? ये बोला तो घर से आ रहा हूँ, अगर आपको चार्जर नहीं देना तो रहने दो, इतने सवाल जवाब क्यों कर रहे हो? बात चार्जर की नहीं है, बात कुछ और है, वही जानना चाह रहा हूँ। देखो लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ तुमसे, कहाँ से आ रहे हो बता दो मुझे, ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे आपसे बुरा है भी नहीं कोई, एक चार्जर के लिए आप इतना नाटक कर रहे हो, नहीं देना तो मना कर दो, ये पकड़ो अपना चार्जर। रुक जाओ, बात चार्जर की नहीं है, तुम्हारे कंफ्यूजन के लिए ना मैं किसी को बुलाता हूँ। दिव्या, दिव्या। क्या हुआ भैया? तुम अभी शाम को मार्केट गई थी ना? हाँ भैया। अच्छा तो एक बात बताओगी साफ साफ? जी भैया बोलिए। तुम इससे रास्ते में या आते समय मिली थी क्या? मुझसे? इससे? अरे इससे मैं क्यों मिलने लगी, अरे हमारा पड़ोसी है, पर हमारी इतनी बात थोड़ी ना होती है जो मैं इससे मिलूंगी। नहीं भैया मैं इससे नहीं मिली। देखो पुलिस वाला हूँ, एक नजर में पहचान लेता हूँ कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सच, तुम लोगों के चेहरे से पता चल रहा है कि तुम लोग दोनों झूठ बोल रहे हो। लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ तुम दोनों को, बता दो कि तुम दोनों रास्ते में मिले थे या नहीं, नहीं दोनों को जेल में डलवा दूंगा, याद रखना, भूल जाऊंगा तुम मेरी बहन हो। भैया ये आप बहुत गलत करते हो, आपसे हम लोगों ने कितनी बार बोला है, ये आप अपना पुलिस स्टेशन ना पुलिस स्टेशन में ही छोड़ के आया करिए, घर तक लेकर मत आया करिए, अब आप अपनी बहन के ऊपर भी शक कर रहे हो, हर चीज को आप वो क्राइम की नजर से क्यों देखते हो? नहीं मिली मैं इससे, मैं क्यों मिलूंगी इससे भला? अरे शांत हो जाओ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा भैया आप उसके क्यों पीछे पड़े हुए हो, वो चार्जर तो लेने आया है और आपने उसे अचानक से देख लिया, और शायद हो सकता है मार्केट में कहीं बिगड़ गया होगा उसका पेंट, मुझे माजरा बताओ कि आप किस वजह से इन पे शक कर रहे हो? अरे बात वो नहीं है नवीन, बात ये है ना नवीन कि शाम को दिव्या मार्केट गई थी ना, तो मैंने इसकी स्कूटी के पीछे वाली सीट पे ना मोमोज की चटनी डाल दी थी लाल वाली, और वही लाल वाली चटनी ना इसके पीछे बैग पे लगी हुई है पीछे। अरे तो भैया आपने देखा नहीं है क्या इसको? मैं तो आते जाते देखती हूँ, मोमोज की दुकान पे पड़ा रहता है ये, हो सकता है वहां पे फैल गई हो और ये सीट पे बैठ गया हो और गंदी हो गई हो इसकी पैंट, और रही बात मेरी सीट पे लगी हुई मोमोज की चटनी की, तो वो ना मैंने देख ली थी, मैंने कहा पता नहीं कौन बच्चा शरारत कर गया है, इसलिए मैंने वो साफ कर दी, मुझे क्या पता था कि मेरे भैया ने किया है ये सब कुछ। इत्तेफाक होता है ना दिव्या, तो वहां पर चेहरे के रंग नहीं बदलते, पुलिस वाले ना चेहरे का रंग पढ़ लेते हैं, और तुम दोनों के चेहरे के रंग बदल चुके हैं, इसका मतलब यह है कि तुम दोनों छुपा रहे हो, अगर ऐसा कुछ नहीं होता ना तो छुपाते नहीं, जबान भी तुम दोनों की लड़खड़ा रही है, अब मुझसे बुरा कोई नहीं होगा अगर तुमने झूठ बोला इसके बाद तो। हाँ मिले थे हम दोनों, आप तो हमेशा मेरे ऊपर ना चील जैसी निगाहें रखते हो, तो इसलिए घर के आसपास तो मैं किसी से नहीं मिल पाती, वो मेरा अच्छा दोस्त है उससे नहीं मिली थी बहुत दिनों से, तो इसलिए मैंने बाहर मिलने बुला लिया। सच में तुम्हारा दोस्त है या फिर कुछ और चल रहा है तुम दोनों के बीच में? देखो पागल बनाने की जरूरत नहीं है, तुम ना बहुत दिन से रिलेशन में हो, और मुझे पता है मेरे दोस्त ने भी मेरे को बताने की कोशिश करी थी, बट वही है अंधा ट्रस्ट करता हूँ तुम पे, माना ही नहीं कभी उसकी बात मैंने कि नहीं मेरी बहन ऐसी नहीं है, नहीं है, वो तो अच्छा हुआ कि भैया ने तुम्हारा टेस्ट ले लिया,
वरना हमें तो कभी पता ही नहीं लगता कि तुम इसके साथ रिलेशन में हो। भैया पर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि मुझे नहीं लगा था कि मेरी बहन ऐसी होगी। ऐसी मतलब कैसी भैया? मैंने कुछ गलत थोड़ी ना किया है। अगर वो मुझे पसंद है और वो भी मुझे पसंद करता तो उसमें गलत क्या है? अरे उसका और अपना स्टेटस देखा है क्या? अरे पड़ोसी है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करोगी। अपनी चॉइस के चक्कर में देख रही हो उसका स्टेटस? अरे एंड्रॉइड फोन वो अफोर्ड नहीं कर सकता। आईफोन का चार्जर मांगने आया था ना, ये बहाना है। रोज ना रोज किसी न किसी के बहाने से आता है। कभी चीनी खत्म हो गई, चाय पत्ती खत्म हो गई, आज तो वो आईफोन का चार्जर मांगने आ गया। तभी शक हो गया था मुझे कि जो एंड्रॉइड का फोन अफोर्ड नहीं कर सकता वो आईफोन कहां से चलाएगा। अच्छा हुआ चटनी भी उसके पीछे लगी हुई थी, फिर मेरा शक ना यकीन में बदल गया। अब छोड़ूंगा नहीं तुझे, और तुझे भी बेटा थाने में डलवा के ना ऐसी मार मरवाऊंगा ना भूल जाएगा तू। भैया उसकी कोई गलती नहीं है, आप प्लीज उससे कुछ मत कहिए। मैं नहीं मिलूंगी उससे आज के बाद, उसके साथ में कुछ गलत मत करना प्लीज। तो लास्ट वार्निंग देके छोड़ रहा हूँ तुमको, और तुम यहाँ नहीं रहोगी अब। आज के बाद ना तू हॉस्टल में रहेगी, देहरादून जाएगी और वही पढ़ाई करेगी ताकि ऐसे लफंगों से दूर रहे। जा सकती हो तुम अपने रूम में, और तू बेटा आज के बाद दिखियो मत मेरे घर के सामने, गोली छोड़ा दूंगा तुझे। चल निकल।